से उतरते ही हम लोग फ्रेश होके नहा धो के मंदिर चले गए भगवान जी का आरती देखने। तो अभी बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है बाहर, इधर सब कुछ दिखाई दे रहा है अंदर क्या क्या हो रहा है। देखिए कितना भीड़ है, संध्या आरती हुआ अभी। शाम के आरती और मंदिर दर्शन भी हो गए हैं हमारे। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, मतलब होटल पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। कल सुबह सुबह फिर आना है 5 बजे के करीब। तो आरती देखिए आरती देख लिए हम, भीड़ तो हर टाइम ही रहता है। अरे गाजर का इधर तो गाजर कैसे क्या धुना है भाई सब 50 में है। अच्छा 60 में एक पौवा 50 में एक पौवा ভিড়ে ভাসে এদিকে চলে আসছে চাপে ভজনে তো ভালো লাগছে সেটা দেখতে, ওটা শুকনো লাগছে সেটা সুজি আর এই কুয়ার মিটু আছে পাউডার ভালো আর কুয়ার ভালো হয়েছে। रेडी हो गए हैं, अभी जा रहे हैं हम भोले बाबा की पूजा करने। अभी बज रहे सुबह के 5:45 और बाकी सब भी रेडी हो गए हैं। वो दूसरे पास पहले होटल पे ही है क्योंकि इधर इतना ज्यादा मतलब लोग आ रहा है, सब होटल बुक है, सब एक साथ में नहीं हो पाए हम लोग, लेकिन आसपास में ही है तो हम दोनों मिलके जा रहे हैं अब। और कल तो शाम पे घूम के आ ही गए हैं आरती देख के, आज अच्छे से पानी शिव जी के ऊपर ढाल दी बस। तो हम लोग मंदिर पे आ गए हैं, ये देखो बीच में खड़ा है, ऐसे ही बैठा हुआ है और इधर लोग भी आया हुआ है, लंबा लाइन ही लग चुका क्योंकि বসে আছে মানুষের মতো। देखिए लाइन एक बार, इतना बड़ा लाइन पीछे से और भी ज्यादा।
तो अभी हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके फिर से जाएंगे बाहर घूमने। हम लोग अभी आए हैं नौलखा पे। बहुत धूप भी है। इतना सारा डालिया डालिया होनी आम का पेड़ पूरा बारह बजे के करीब ये बंद हो जाता है। हम लोग दौड़ दौड़ के आए। गोवार एकटाई आनते यार जहाज एक्टर पाई। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं तपोवन के एकदम ऊंचाई पे। तो इधर से व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है, देख सकते हो। बहुत ऊंचाई पे है और इतना ज्यादा धूप है कि मंदिरों के रास्ते में भैया क्या कीजिए, जल्दी से घूम के आइए ना आगे से। देखो सामने की फाका से सो गया। साइड व्यू देखिए ना। हां ठीक है देखिए। दोपहर में घूम के आके इतना ज्यादा टायर्ड हो गए थे हम लोग, तो थोड़ा सा सो लिए। और अभी बज रहा है शाम के 6:30 के करीब। तो हम फिर से जा रहे हैं मंदिर पे आरती देखने। कल तो लास्ट वाला आरती देखा था। आज शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक आरती चलता है। कल हम लोग 7:30 बजे गए थे मंदिर 7:30 बजे गए थे। और लास्ट का जो पार्वती देवी का आरती और सब कुछ ही देखा थोड़ा थोड़ा लास्ट वाला। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं उधर थोड़ा सा शाम कटा के। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चारों तरफ इतना भगवान जी का नाम होता है, आरती ढोल वगैरह सब कुछ, जैसे मन बहुत शांत हो जाता है। और एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग देख के समझ चुके होंगे कि हम लोग फिर से होटल चेंज करके सब कोई जिधर है उधर ही आ गए वापस। तो हम लोग अभी एक ही होटल पे है लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन फ्लोर में तीन लोग रह रहे हैं। एक साथ में मिला नहीं, इतना ज्यादा लोग आ रहा है, हर टाइम ही आता है इधर। वैसे भी तो अभी सीजन नहीं है लेकिन श्रावण मंथ में बहुत ज्यादा अभी भी इतना ज्यादा भीड़ है। तो सोचो कि सावन महीना में कितना ज्यादा भीड़ होगा। लेकिन एक बात जो है, आज हम लोग बहुत अच्छे से पूजा भी दिया और जल चढ़ाया, भगवान जी को अच्छे से मंदिर घूमा, सब कुछ किया बहुत अच्छे से। तारापीठ से मतलब उधर का जो की पंडित उधर का जो पंडा है वो लोग भी पैसा लिया VIP लाइन से टुकाने के। बट पूजा एकदम भी अच्छे से नहीं कराया, जस्ट घुसाया और निकाला। मतलब क्या बताओ, बहुत ही एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगा, घुसा के अंदर ठेल देता है, इतना ज्यादा क्या करता है क्या बताओ अभी। लेकिन आज हम लोग बहुत अच्छे से पूजा दिया, आज भी VIP लाइन से ही गए हैं लेकिन मन भर के अच्छे से हम लोगों का सबका पूजा हो गया है। तो अभी चलो शाम पे थोड़ा सा निकलते हैं। अभी श्रृंगार हो रहा है भगवान जी को, अभी चंदन से पूरा
नहा रहा, कि सुंदर कर दिलो। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए हैं बासुकीनाथ पूजा देने। इधर बहुत ज़्यादा भीड़ था तो और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था तो उतना ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई। ये बाहर का सीन है, बहुत ज़्यादा भीड़ था अंदर, फिर भी अच्छे से पानी ढाल दिए हम लोग। तो अभी हम लोग जेसीबी स्टेशन पे बैठे हुए आ गए, टकलू हो गए। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, गरंडा वरंडा लग रहा है। तो हम लोग अभी जेसीबी स्टेशन पे आ गए हैं। इधर से हम लोग जा रहे हैं कलकत्ता, उधर भी दो दिन रहेंगे, देन घर जाएंगे। तो ये हमारा बहुत लंबा एक टूर बन गया है, लेकिन हम लोग कलकत्ता में अलग हो जाएंगे। हम लोग रहेंगे एक जगह और वो लोग रहेंगे उन लोगों के बुआ के घर। हाँ, उधर से वो लोग वापस आएंगे थोड़ा और दिन रुक के, और आ गए हैं। बातें तो नहीं करेंगे लेकिन हंसी गस्ती। बताओ कुछ, इतना करते करते ऑटो पे आया और अभी ये बताओ बाल का मन्नत था। मन्नत पूरा करने आए थे। बोलो, हम लोग अभी जेसीडी स्टेशन थोड़ा सा घूम रहे हैं। बहुत सुंदर है इधर और शाम के टाइम पे बहुत अच्छा भी लग रहा है। हम लोग जल्दी जल्दी स्टेशन आ गए हैं क्योंकि हम लोगों को टोटो वाला जो है कल जो घुमाया है हम लोगों को बहुत झूठ बोला था। जो जेसीडी स्टेशन के जो रास्ता है वो बहुत अंधेरा होता है, लोग नहीं रहते हैं, फिर बहुत खराब है आसपास के एरिया। इस वजह से जल्दी जल्दी आप लोगों को आना पड़ेगा। लेकिन आज सुबह जो गाड़ी से हम लोग घूमे हैं तो वो बोला था बहुत ही रास्ता एकदम ठीक है और डरने का कोई बात ही नहीं है। फिर भी हम लोग जल्दी निकल गए, 7:30 के करीब पहुंच भी गए। इधर हमारे ट्रेन है 9:30 बजे, तो इधर घूम रहे हैं स्टेशन पे ही। तो बहुत बड़ा एरिया लेके बना है ये, और चलो आगे भी दिखाते हैं। तो ये जेसीडी स्टेशन का मेन गेट है। इधर बहुत सुंदर गेट करा हुआ है शंख का दो तरफ से, और पीछे भोले बाबा का मंदिर का जो चूड़ा है वो ऐसे ही करा हुआ है, तो देखने में बहुत मस्त लग रहा है एकदम। चलो, सुबह के 5 बजे हम लोग कलकत्ता पहुंच गए हैं। ये है हावड़ा स्टेशन। तो हम लोग अभी जाएंगे होटल।